आप जनरल फिजिशियन के पास भी जाके प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में आगाही ले सकते हैं, उनको अपने सिम्टम्स बता सकते हैं। प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्लैंड है जो कि मसाने से नीचे पेशाब की नाली के अराउंड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और गवर्नमेंट जॉब मेरी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। इधर प्राइवेट प्रैक्टिस मेरी एवर केयर हॉस्पिटल में है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ जो हमारे यूरोलॉजी में सबसे कॉमन है, एक प्रोस्टेट, जो हम प्रोस्टेट का जिक्र किया जाता है, वो शेयर करना चाहूँगा कि उसके बारे में कुछ मालूमात देना चाहूँगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिफरेंट पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से भी लेके आते हैं, उसको ये बड़ी अच्छी चीज़ है ताकि लोगों को इससे अवेयरनेस भी पता होती है। इसकी आगाही के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्लैंड है जो कि मसाने से नीचे पेशाब की नाली के अराउंड होता है। ये 50 ईयर्स 60 ईयर्स यानी कि 60 साल के बाद के जो लोग होते हैं, जो मिडिल एज, लेट मिडिल एज या ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर होता है और ये सबसे कॉमन बीमारी देखी गई है। तो इसके अंदर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, पेशाब की लमात के साथ आते हैं, पेशाब रुक रुक के आता है, जोर लगाना पड़ता है, बार बार आता है, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है। तो ये एक बीमारी, इसको प्रोस्टेट डिजीज़ कहा जाता है, BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। यूजुअली ये उम्र का तकाजा है, उम्र ज़्यादा होने की एक अलामत समझी जाती है। बुक्स में भी लिखा हुआ है कि दिस इज़ ए डिजीज़ ऑफ एजिंग, यानी कि ये शो करती है कि बुढ़ापा शुरू हो गया। लेकिन आजकल बड़ी जिद्दत की मेडिसिन आ गई हैं, जब से पिछले कुछ 20 ईयर्स बैक अगर देखें तो इसका मोस्टली इलाज था सर्जिकल, जिसमें ऑपरेशन करके देखा 20-30 ईयर्स पे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम 50% से ज़्यादा इसका इलाज मेडिकल है। अगर आप इनिशियली जल्दी प्रेजेंट कर दें, डॉक्टर के पास जल्दी चले जाएँ, तो ज़रूरी नहीं है कि स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है, या अगर लोग घबराते हैं, तो आप जनरल फिजिशियन के पास भी जाके प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में आगाही ले सकते हैं, उनको अपने सिम्टम्स बता सकते हैं। फिर इसका बेसिक टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, उसी के ऊपर प्रोस्टेट का पता लगता है। अगर स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी आपके इलाके में नहीं है तो आप जनरल फिजिशियन को चेक करवाएं, वरना फिर स्पेशलिस्ट को, यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, ताकि प्रोस्टेट की अलामत ये जो मैंने बताई हैं इसके बारे में अवेयरनेस हो और ज़रूरी ज़रूरी टेस्ट करवा के आप उसके बारे में इलाज तशखीस कराएं। और मेडिकली इलाज इसका एक टैबलेट रात सोने से पहले हम रूटीन में देते हैं, वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक भी दी जा सकती है। उसका ये फायदा होता है कि ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पेशाब की रुकावट, जिसमें नाली लगानी पड़ सकती है और फिर उसमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो क्यों ना कि इलाज हम जल्दी करवाएं। और इस वीडियो के अंदर मैं जोर दूंगा इस बात को कि प्रोस्टेट, जिसमें पेशाब की रुकावट की अलामत हैं, पेशाब रुक रुक के आता है, जोर लगाना पड़ता है, तो आप उसको जल्द चेक करवा के दवाई तजवीज़ करवाएं ताकि पेशाब की रुकावट, जो पेशाब की नाली लगने से, बच सकें। शुक्रिया।